इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पुणे में खेला गया। कप्तान विराट कोहली ने इस मैच में नाबाद 254 रनों की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच चुने गए। विराट को इस पारी का फायदा टेस्ट रैंकिंग में भी मिला है। आपको बता दें कि इस पारी के बाद विराट को 37 रेटिंग पॉइंट्स का फायदा मिला है। इसके चलते उनके और नंबर एक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के बीच अब महज 1 रेटिंग पॉइंट का अंतर रह गया है। आपको बता दें कि एशेज सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद स्मिथ ने विराट को टेस्ट रैंकिंग में पछाड़ दिया था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 19 अक्टूबर से रांची में सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है और इस मैच में अगर विराट अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक बार फिर नंबर एक पायदान पर पहुंच जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में विराट पिछले कुछ समय से संघर्ष करते नजर आए, लेकिन पुणे टेस्ट में उन्होंने शानदार वापसी की। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स से ऋतिक की रिपोर्ट।